गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा, आज हम बात करेंगे एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों का सेकंड पेपर है क्लासिकल थिंकर्स, उसके बारे में। इसमें आपकी टोटल जो है वो 1 to 7 टोटल 7 यूनिट्स दी हुई है। 7 यूनिट में आपके जो 7 यूनिट्स हैं उसमें आपके जो हमारे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपने अपने योगदान दिए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है हमारी अगस्त क्रांति जी के बारे में। जितने भी ये समाजशास्त्री हैं इसमें हम इनकी जो थ्योरीज इन लोगों ने दी हैं, जो जो इन्होंने नई खोजें करी हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है अगस्त क्रांति जी के बारे में। तो अगस्त क्रांति जी में जो जो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस जो है उनके बारे में काफी अच्छी चीजें समझा रखी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे है हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने भी अपनी थ्योरीज दी हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। मैक्स वेबर जो है वो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। और इसमें इन्होंने जो सोशल एक्शन है, ठीक है, या फिर इन्होंने जिस भी तरीके के अपने आइडियाज दिए हैं सोशियोलॉजी के क्षेत्र में, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। फोर्थ है इमायल दुर्खिम। इमायल दुर्खिम भी जो है वो आपका बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है इमायल दुर्खिम जी की हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं कि उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या खोजें करी है, जिसमें इन्होंने कई सारी अपनी थ्योरीज दी है, आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने दिया है, और इन्होंने जो भी सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स भी काफी आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सारी ही जितने भी समाजशास्त्री हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बट फिर भी कुछ टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कार्ल मार्क्स हो गया, फिर लेविस स्ट्रेस हो गया, फिर रेडक्लिफ ब्राउन हो गया, और मेरिनोवस्की हो गए। तो कार्ल मार्क्स से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो ये सारे समाजशास्त्री हैं इनमें से मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगस्त क्रांति जी हैं, मैक्स वेबर हैं, इमायल दुर्खिम हैं और कार्ल मार्क्स हैं, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने थ्योरी को लेकर के काफी अच्छी जो स्टेजेस हैं वो बताई हैं, काफी अच्छे सिद्धांत जो है इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बताए हैं उससे रिलेटेड। तो आप लोग को इस पूरी यूनिट को अच्छे से डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले साल के जितने भी पेपर्स देखिए उसमें इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर है आपका सेकंड पेपर, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सारी थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए, जितने भी समाज शास्त्री है उनके जीवन परिचय के बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है, उन्होंने किस किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, कौन कौन सी उनकी थ्योरीज है, ये सारे टॉपिक्स जो है वो इस यूनिट में कवर होते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है, सेकेंड पेपर जो है आपका वो इन्हीं समाजशास्त्र के ऊपर है, तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने डिटेल में जाकर के इनके बारे में स्टडी करी है तो ये पेपर आपका मान के चलिए कि आपको अच्छे नंबर इस पेपर में जरूर मिलेंगे। थ्योरी पोर्शन आएगा आपका फर्स्ट ईयर वालों का, थ्योरी में आप जितना अच्छा डिटेल में लिखेंगे, इन्होंने जो जो डेफिनेशंस दी हैं, जो जो किताबों की अपनी खोज करी है, किताबें लिखी हैं, उनके बारे में आप जितना ज्यादा इनके बारे में स्टडी करेंगे उतने अच्छे नंबर आप लोग को क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में आएंगे उसमें मिलेंगे। जब भी किसी भी मान लीजिए आपने इनका जीवन परिचय पढ़ रखा है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी समाजशास्त्र से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के बारे में लिखिए, क्योंकि उन्होंने किस किस तरीके से अपने जीवन को संघर्ष करके वो आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो अगर थोड़ा सा आप इनके बारे में डिटेल देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपका थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन का एरिया जो है वो बढ़ेगा जो आप आंसर लिखेंगे। तो इससे मैं कह रही हूँ कि इनके जीवन परिचय के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, इन्होंने क्या बुक्स लिखी, इनकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से इन्होंने अपने क्षेत्र में योगदान दिया है, इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये जो है मैंने आपका सेकंड पेपर आज बता दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम थर्ड पेपर की बात करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पेपर के साथ। थैंक यू।